में जो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो एसी के द्वारा होती है, नॉकिंग के द्वारा। क्योंकि जब हम इंजन को चलाते हैं तो जब फ्यूल बर्न होता है यानी ब्लास्ट होता है तो वहाँ से एक शॉक्स वेव निकलती है जो कि आपकी सिलेंडर की जो वॉल होती है उससे टकराती है और ध्वनि प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी, श्यानता। द्रव के प्रवाह के अंतर्गत, ठीक है, यानी द्रव का जो फ्लो होता है उसके अंतर्गत उसके अणुओं के मध्य होने वाले फ्रिक्शन के कारण अणु एक दूसरे के फ्लो का विरोध करते हैं। अणु जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के फ्लो का विरोध करते हैं। द्रव की इस प्रवृत्ति को ही श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता क्या है, श्यानता में जो आपका कोई भी फ्लूड होता है ना, फ्लूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूड की प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो फ्लो होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को बहने से या मूवमेंट करने से रोकने का प्रयत्न करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका विस्कोसिटी। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड होती है। श्यानता की वजह से यानी विस्कोसिटी की वजह से जो भी आपके गाढ़े फ्लूड होते हैं, जैसे मोवी ऑयल हुआ, अगर मैं उसे फैलाऊंगा तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा, और वहीं पे पेट्रोल और डीजल जो रहते हैं वो आपके क्या कहते हैं, ईजिली आसानी से फ्लो हो जाते हैं। वो किसकी वजह से, वो आपके श्यानता की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ईंधन अपनी ठोस अवस्था को धारण कर लेता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब आप जानते हो, फ्रीजर से रिलेटेड है, यानी ठंडा करना, यानी फ्रीज हो जाना यानी जम जाना। यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव ईंधन यानी जो लिक्विड फ्यूल है वो क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए, उस वाली कंडीशन को आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलोगे आप उसे, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फ्लैश पॉइंट या स्पुरांक। इसमें देखो, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर जलना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। यानी सिंपल सी भाषा में वह तापमान, फ्लैश पॉइंट क्या कहलाएगा, वह तापमान जिस पर कोई फ्यूल जलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जलेगा किसी प्रेजेंट में, आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट को बोलोगे आप फ्लैश पॉइंट। ये बेसिकली चार प्रॉपर्टी थी आपकी जो फ्यूल होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है, ठीक है, वैसे टॉपिक ये आपका पूरी यूनिट यहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन कभी कभार कुछ पूछ लेता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यानी क्या क्या आएगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैस फ्यूल, गैस फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, या व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, और सॉलिड फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, वो आपको सिंपल बस एक सारी की प्रॉपर्टी सेम रहती है, सबके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा निकलती है, ये रहते हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं, ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, स्टोर आसानी से कर सकते हैं, और आपका वातावरण प्रदूषित कम होता है, ज़्यादा होता है, ये सारी क्या आएंगे, उनकी प्रॉपर्टी। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपका सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड ईंधन, उसके द्वारा वातावरण सबसे ज़्यादा दूषित होता है, फॉर एग्जाम्पल को, फिर उससे कम किसके द्वारा होता है, आपका लिक्विड, लिक्विड के द्वारा आपका वातावरण क्या होता है, कम प्रदूषित होता है एज कम्पेयर टू कोल। और जो आपके गैसियस फ्यूल होते हैं उनके द्वारा सबसे कम आपका वातावरण प्रदूषित होता है। आपने देखा होगा जो घरों में आप गैस इस्तेमाल करते हो वहाँ से आपके हानिकारक गैसें बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। सेकेंड पॉइंट लूँ तो मैं स्टोर के रूप में यानी इकट्ठा करने के ऊपर, जैसे गैसियस फ्यूल को हम आसानी से इकट्ठा नहीं कर सकते और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन जो गैस थी उन्हें बहुत ही स्पेशल कंटेनर के द्वारा ही लेके आया जाता है, और आपने सीएनजी के जो आपने कंटेनर देखे होंगे वो आपके सिलेंडर या ले जाती हैं उनके लिए, यानी एक सिस्टम बनाना होता है। वहीं पे मैं बात करूँ लिक्विड फ्यूल की, तो उसे भी स्टोर करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू गैसियस फ्यूल की तुलना, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, और वहीं पर मैं बात करूँ आपके सॉलिड फ्यूल की, तो सॉलिड फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे आसान है, क्योंकि वो आपका कहीं पे गिरने के चांसेस कम है, और उसे स्टोर करना भी सबसे आसान है कि सॉलिड फ्यूल को आओ और कहीं पे भी आप स्टोर कर लो
तो ये सारे इस तरीके से कुछ एडवांटेज है। तो ये एक दो क्वेश्चन रेयर केस में कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने में जो मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं इन्हें भी नोट डाउन कर देना। यहाँ पे आपकी पहली यूनिट ख़त्म होती है। अब सेकंड यूनिट आएगी आपकी मशीन कंपोनेंट। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मशीन कंपोनेंट, ठीक है। मशीन कंपोनेंट यानी पहली यूनिट में आपके दो चैप्टर थे और सेकंड यूनिट है आपकी मशीन कंपोनेंट, इसमें आपके छः चैप्टर हैं। तो लेसन नंबर 3 इसका यानी सेकंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है यानी और सीक्वेंस वाइज लेसन 3 चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है पिन कॉटर एंड नकल जॉइंट, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे आपका पिन और कॉटर के बारे में, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे हम नकल जॉइंट के, ठीक। मशीन क्या रहती है, पहले तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मशीन क्या रहती है। मशीन आप सभी ने देखा होगा, मशीन वह है जो किसी प्रकार की अनुपयोगी ऊर्जा, यानी मशीन वह एलिमेंट है जो किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ऊर्जा को कार्य में बदल देता है। यानी मशीन एज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस कन्वर्ट टू एनर्जी इनटू वर्क, ठीक है। यानी मशीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके द्वारा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। जैसे आपके मैं इंजन की बात करूँ, इंजन में क्या रहती है आपकी फ्यूल रहती है, ठीक है, कोयले के द्वारा फ्यूल होती है। तो वो मशीन क्या है, यानी जो आपका बॉयलर है वो मशीन रहेगा, ठीक है। जो रेल के इंजन की मैं बात करूँ या बाइक के इंजन की बात करूँ, बाइक का इंजन मशीन है, फ्यूल है, फ्यूल के अंदर क्या रहती है आपकी ऊष्मा। तो उस ऊष्मा का प्रयोग करके मशीन क्या कर देती है, उस ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर देती है, यानी अब बाइक मेरी एक जगह से दूसरी जगह स्टार्ट हो जाएगी, यही कहलाता है आपका मशीन। और मैं सिंपल बात करूँ, जैसे अब मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ, ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, आप सभी जानते हैं। और हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है। हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट की सबसे बेस्ट मशीन है, ठीक है। हम खाना खाएंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी, जब हमें ऊर्जा मिलेगी तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। यानी वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, हमारी बॉडी के द्वारा वर्क में, ठीक है। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे, आप ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, तो आपका शरीर वर्क कर पाएगा नहीं, ठीक है। इसी को मशीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पिन। पिन क्या रहती है, पिन एक अस्थाई बंध है, अस्थाई बंध बनाने की युक्ति है। यानी पिन क्या है, जहाँ कहीं पे आपको टेम्परेरी जॉइंट की आवश्यकता रहती है। यानी जैसे आप मैं दो रॉड ली, मुझे उस दो रॉडों को जोड़ना है आज के लिए, तो मैं उन्हें किसके द्वारा जोड़ सकता हूँ, पिन के द्वारा। और जैसे मुझे और कल मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है उस जॉइंट की, तो मैं पिनों को रिमूव कर लूँगा और मुझे दोनों वो शाफ्ट क्या है वापस प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। पिन क्या है, पिन एक अस्थाई बंध बनाने की युक्ति है जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की होती है, जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की होती है, जो जोड़े जाने वाले अंगों में छिद्र करके फिर उसमें डाली जाती है, जिससे अस्थाई जॉइंट प्राप्त होता है और यह माइल्ड स्टील की बनी रहती है, ठीक है। देखो समझो इसे, जैसे मेरी एक शाफ्ट ये है, ठीक है, और एक शाफ्ट ये है, ठीक है। पिन क्या करेगी, ये हॉलो है, ठीक है, दोनों क्या है हॉलो है, हॉलो, ठीक। पिन क्या करेगी, यहाँ पे एक छेद होगा, ठीक है, ये मेरी सपोज करो एक पिन है, ठीक, पिन। इस शाफ्ट को मैं इसके अंदर फिट कर दूंगा, और जैसे दोनों में हॉलो होगा, दोनों को एंगल यानी एक ही एक्सिस में जो होल आएंगे, तो मैं इस पिन को इसके अंदर डाल दूंगा, इससे क्या है ये दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगे आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। या एक शाफ्ट ये है आपकी, दूसरी शाफ्ट ये है, दोनों को मुझे जोड़ना है, तो दोनों में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, होल करूँगा। ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, होल, होल करूँगा। अब होल करूँगा तो मैं पिन को इन होल में डाल दूँगा, तो उससे ये दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगे आपकी जुड़ जाएंगी। जब तक मुझे रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों शाफ्टों को मैं दोनों को जोड़े रहूँगा, और मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं पिन को निकाल लूँगा और दोनों शाफ्टों को मैं अलग कर लूँगा। यानी ये कैसा है, टेम्परेरी जॉइंट, यानी कुछ समय के लिए जॉइंट, इस वाले जॉइंट के वो बोलते हैं हम टेम्परेरी जॉइंट। और ये किसके द्वारा बनता है, पिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। जो आपकी पिन होती है बेसिकली आपकी टू टाइप्स की रहती है, ठीक है। पिन कितने टाइप्स की रहती है आपकी, टू टाइप्स की। पिन आपकी टू टाइप्स की रहती हैं, फर्स्ट वन है आपकी क्विक रिलीज पिन, सेकंड है सेमी परमानेंट पिन, ठीक है। पहली कौन सी है, क्विक रिलीज पिन, सेकंड सेमी परमानेंट पिन, ठीक है। अब क्विक पिन क्या रहती है, ठीक है, क्विक यानी तुरंत खुलने वाली, रिलीज माने यानी खुल जाए, और क्विक माने जल्दी। इनका प्रयोग वहाँ करते हैं
इनका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अक्सर संगमता से पिन को निकालने की आवश्यकता रहती है। यानी इन वाली पिनों का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो जॉइंट होता है पिन को, या पिन को उस जॉइंट में आसानी से निकाल सके और आसानी से डाल सके, ठीक है। वहाँ पे क्विक रिलीज पिन की आवश्यकता रहती है, ठीक है। ये पिन क्या रहती हैं, इन पिन का जो साइज रहता है, जो होल होता है, उस होल की तुलना में कम रहता है, जिससे कि ये उसमें ढीली रहती हैं और इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक होल है मेरा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। दो शाफ्ट हैं, दोनों शाफ्टों में मैंने होल करा 10 सेंटीमीटर का। अब उन दोनों शाफ्टों को मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, क्विक रिलीज पिन अगर मुझे लगानी होगी तो उसमें जो क्विक रिलीज पिन होगी, जो होल है, होल के डायमीटर से कम होगी। यानी अगर होल का डायमीटर 10 है तो पिन का डायमीटर कितना होगा, 9.5 या 9। उन वाली पिनों को हम बोलते हैं क्विक रिलीज पिन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिख लो, इन पिनों का प्रयोग कम लोड वाले मशीन कंपोनेंट के लिए होता है, ठीक है। यानी इन पिनों का प्रयोग कहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे आपका मशीन का जो रहता है, मशीन के कंपोनेंट पर लोड कम पड़े और वहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि ये पिन कैसी रहती हैं, आपकी ढीली पिन रहती हैं। तो अगर वाइब्रेट होगी मशीन और पिन ढीली है, तो वहाँ से पिन के निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको कम रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कम लोड वाले कंपोनेंट को जोड़ने की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक। सेकेंड है आपकी सेमी परमानेंट पिन। ये क्या रहती हैं, ये जस्ट अपोजिट क्विक रिलीज पिन, ठीक है। सेमी परमानेंट का यानी ये जुड़ी रहती हैं, जब तक इन्हें फोर्स के द्वारा, यानी मैंने इन्हें जोड़ने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और निकालने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी अर्ध स्थाई। इन पिन से बने जोड़ को आसानी से अलग व जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट पिन हो रही है ना आपकी। अभी एक मिनट रुकिए अभी। सेकेंड पिन है हमारी सेमी परमानेंट पिन, ठीक है। सेमी परमानेंट पिन में क्या रहता है आपका, इन पिनों से बने जोड़ को आसानी से अलग व जोड़ा नहीं जा सकता। यानी अगर हमें कोई सेमी परमानेंट जो पिन है, वो उसे हम आसानी से ना तो जोड़ सकते हैं, ना ही उसे हम आसानी से शाफ्ट में से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे अलग करने के लिए व जोड़ने के लिए दबाव या प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मैं बात करूँ, आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली या कभी भी जो आपने देखा हुआ दुकानों में, लोग क्या कहते हैं, हथौड़े के द्वारा पिनों को निकालते हैं। हथौड़े की स्ट्राइक करेंगे जब उसमें से आपकी पिन निकलेगी, उसी वाली पिन को बोलते हैं सेमी परमानेंट पिन। इनका जो होल का और पिन का जो डायमीटर होता है, दोनों का लगभग समान रहता है, ठीक है। जो आपकी सेमी परमानेंट पिन होती है, वो आपकी कितने प्रकार की होती है, ये आपकी दो प्रकार की रहती है। फर्स्ट वन रहती है मशीन पिन, फर्स्ट वन रहती है आपकी मशीन पिन, और सेकंड वन है आपकी रेडियल लॉकिंग पिन, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सी है आपकी, मशीन पिन, और सेकंड रहती है आपकी रेडियल लॉकिंग पिन, उसे हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। मशीन पिन क्या रहती है, इन पिनों का प्रयोग मशीन एलिमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन पिनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मशीन एलिमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये आपकी चार प्रकार की होती हैं। ये पिन आपकी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। फर्स्ट वन है डोवल पिन, फर्स्ट वन कौन सी है आपकी, डोवल पिन। सेकंड पिन आपकी कौन सी है, टेपर पिन। थर्ड नंबर की आपकी कौन सी है, क्लेवियस पिन। एंड फोर्थ नंबर की कौन सी है आपकी, स्प्लिट पिन, ठीक है। पहली पिन है आपकी डोवल पिन, सेकंड है आपकी टेपर पिन, थर्ड है आपकी क्लेवियस पिन, और फोर्थ नंबर की पिन है आपकी स्प्लिट पिन, ठीक है। बेसिकली इसकी मैं ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको फिगर दिखाती रहूँगी, यानी इनके फिगर कैसे रहते हैं, ठीक है।
जैसे मैं फिगर की बात करूँ, स्प्लिट जैसे टेपर है, ऐसी पिन जिसका आकार कैसा रहता है, टेपर नुमा रहता है, यानी ऐसी पिन इसका आकार टेपर नुमा रहता है, उस वाली पिन को बोलते हैं हम स्प्लिट पिन। और वहीं पे मैं बात करूँ आपकी टेपर पिन बोलते हैं। और वहीं पे मैं डोवल पिन की बात करूँ, डोवल पिन ऐसी पिन है जिसका आकार कैसा रहता है, एक समान रहता है, उस वाली पिन को बोलते हैं हम, उस वाली पिन को क्या बोलेंगे हम, डोवल पिन। और स्प्लिट पिन ऐसी पिन जिसे हम आसानी से अलग कर सकें, क्या कर सकें, जिसे हम आसानी से अलग कर सकें, उस वाली पिन को बोलते हैं हम स्प्लिट पिन, ठीक है। और क्लेवियस तो सिंपल क्लेवियस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियल लॉकिंग पिन। रेडियल लॉकिंग पिन क्या रहती है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जरूर खींचते जाएं साथ के साथ, जिससे कि आपको नोट्स बनाते समय आपको आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रेडियल लॉकिंग पिन। रेडियल लॉकिंग पिन क्या होती है, रेडियल लॉकिंग पिन वो पिन होती है जहाँ पर मशीन एलिमेंट अत्यधिक वाइब्रेशन या लोड इम्पैक्ट का काम करते हैं, यानी ऐसे मशीन एलिमेंट जो अत्यधिक लोड और वाइब्रेशन का काम वो पड़ता है, उन पे लोड पड़ता है, वहाँ पे आप किसका यूज करते हो, वहाँ पे यूज करते हो आप रेडियल लॉकिंग पिन का, ठीक है। वहाँ पे यूज किसका करते हो, रेडियल लॉकिंग पिन का, ठीक है। जो आपकी चार पिन थी, देखो इनके फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डबल पिन क्या रहती है, बिल्कुल एक समान रहती है ऊपर और नीचे, ऐसे इस वाली पिन को बोलते हैं डबल पिन, ठीक। सेकंड है आपकी टेपर पिन, यानी टेपर हो रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली इसका डायमीटर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसे बोलोगे टेपर पिन। क्लेवियस पिन क्या रहती है, इसके जो आपका एक पिन रहती है और पिन के नीचे वाले हिस्से में क्या रहता है, होल रहता है। ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट देखा होगा आपने, ट्रैक्टर ट्रॉली के जॉइंट में एक पिन डालते हैं और नीचे उसके एक होल लगा रहता है, तो उस वाली पिन को बोलते हैं आपको क्लेवियस पिन, ठीक है। नेक्स्ट पिन है आपकी स्प्लिट पिन आपने जो पंखे लटकाते हैं, तो पंखे में देखा होगा जो बोल्ट नट कसते हैं तो उसके में एक होल रहता है, उस होल में एक पिन डालते हैं और उसके दांतों को हम क्या कर देते हैं, दांतों को अलग अलग कर देते हैं, इस वाली पिन को बोलते हैं आप स्प्लिट पिन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपकी पिन हो गई, और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रह गया था वो था रेडियल लॉकिंग पिन, ठीक है। रेडियल लॉकिंग पिन क्या है, जहाँ पर मशीन कंपोनेंट पर अत्यधिक वाइब्रेशन या लोड या इम्पैक्ट लोड कार्य करता है, वहाँ पर इन पिनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी मशीन कंपोनेंट जहाँ पर आपका वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा और उन कंपोनेंट पर लोड ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर कौन सी पिन का यूज़ करूँगा, रेडियल लॉकिंग पिनों का क्या करता हूँ मैं, उपयोग करता हूँ। ये आपकी दो प्रकार की रहती हैं, फर्स्ट वन है ग्रूव्ड पिन यानी खांचेदार पिन, सेकेंड वन है स्प्रिंग पिन। बेसिकली इसी आपको पढ़ना नहीं है, बस एक याद रखना, इन पिनों का अधिकतर उपयोग इंजन के अंदर वाले भाग में किया जाता है, ठीक है, यूजेस इनसाइड द इंजन। यानी इन पिनों का प्रयोग मैं कहाँ पे करूँगा, इंजन के अंदर वाले भाग में इन पिनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉटेज जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, ठीक है, क्वार्टर आपने देखा होगा एक हॉलो टाइप का पाइप रहता है क्वार्टर, ठीक है, पहले समझ लो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक हॉलो टाइप का पाइप है, ठीक है, जैसे सॉकेट देखी होगी आपने, पाइप की सॉकेट देखिए, सॉकेट क्या करती है, दो पाइप को जोड़ने का काम करती है, तो वहाँ पे हम फेविक्विक के द्वारा या आपका जो ग्लू होता है उसके द्वारा जोड़ देते हैं। आपने सॉकेट ली, सॉकेट और पाइप लिया, सॉकेट में पाइपों को सॉकेट में डाला और उन पे होल कर दिया, ऊपर से होल करके फिर उसमें क्या पसा देंगे आप, पिन पसा देंगे, तो आप देखना वो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों पाइप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्वार्टर क्या रहता है, यह एक अस्थाई जॉइंट है, इसका प्रयोग दो छड़ों को एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए, यानी इसका प्रयोग एक ही एक्सिस पर जो रहती है, या तो वाई एक्सिस, यदि दो शाफ्ट एक्स एक्सिस पे होंगी या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो उन्हीं दोनों शाफ्टों को ये क्या कर सकता है, जॉइंट कर सकता है।
तथा इस जॉइंट के द्वारा टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्स दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे देखो मैं बात करूँगा, आपको समझो पहले। ठीक है, ये क्या है मेरी एक, ये क्या है सॉकेट है, ये होल है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ये शार्प वन शार्प टू, वन टू, ठीक है शार्प। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा आपका होल, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो उसे मैं किसके द्वारा, इसे हम बोलेंगे कॉटेज जॉइंट। ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों शार्प को जोड़ेगा। एक शार्प को मैं यहाँ से पसाऊंगा, एक शार्प को मैं यहाँ से पसाऊंगा, फिर ऊपर से पिन डालूंगा, तो पिन इसे उलमे से होते हुए इसमें उसे होते हुए इस वाली शार्प को इसमें जोड़ देगी, और सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे करूँगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ये दोनों शार्प क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों शार्प क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये पिन के द्वारा, ठीक है, शार्प वन शार्प टू, इस तरीके से ये दोनों शार्प क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये शार्प रोटेट करेगी, यानी इस पर जो फोर्स पड़ेगा टेंशन और प्रेशर फोर्स, वही फोर्स किस पे पड़ेगा, इसी फोर्स इस वाली शार्प पे पड़ेगा। एक्स एक्सिस में जैसे, और ये इन्हें मैं सीधा खड़ा कर दूँ, तो जैसे इस पर लोड यहाँ से पड़ेगा, वही टेंशन का फोर्स जितना इस पर पड़ेगा वही इस पर पड़ेगा। ये कहलाता है आपका कॉटेज जॉइंट। ठीक है, कॉटेज जॉइंट, कॉटेज जॉइंट मेनली क्या रहता है आपके, चार प्रकार के कॉटेज जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन है आपका स्लीव एंड कॉटेज जॉइंट, सेकंड वन है आपका स्पीगॉट एंड कॉटेज जॉइंट, थर्ड वन है जिब एंड कॉटेज जॉइंट, और फोर्थ वन है आपका क्वार्टर बोल्ट। फोर्थ वन क्या है आपका, क्वार्टर बोल्ट। तो आज के लिए इतना ही कि आपका एक टॉपिक और पढ़, हाँ एक आपको अनाउंसमेंट करनी है। जैसे सिविल में मैंने देखा है कि बच्चों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, आपकी प्रेजेंट जो है 40 के अबव रह रही है, तो आप अपने सेमिट जितने भी सहपाठी हैं सभी से बोलते हैं कि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आप सेशनल में नंबर नहीं मिलेंगे। बस इतना ही मुझे अनाउंस करना था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम ये जो आपके जॉइंट हैं चार प्रकार के, इनका एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं विद फिगर, और जो आपका नकल जॉइंट होता है, नकल जॉइंट जो रहता है वो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जॉइंट होता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।